मौका था सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश वर्ष का और स्थान था दिल्ली के रमेश नगर का गुरुद्वारा जहां नामधारी सिख समुदाय ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया और कार्यक्रम में नामधारी समाज के श्रद्धालुओं ने भारी तादाद में भागीदारी निभाई। नामधारी समाज की तरफ से दसम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के 350 साल को जन्म शताब्दी को समर्पित यहाँ पे प्रोग्राम आयोजित किया गया और इसके अंदर मुझे शिरकत करने का मौका मिला। मैं ये समझता हूँ कि दसम गुरु ने सरबंस वार के हिंदुस्तान में गैरत से जीना सिखाया और हिंदुस्तानियों में वो रूह भूकी कि जो जुल्म को और तशद्दुद को घुटने टेक चुके थे उनके सामने एक आवाज़ उठाने की हिम्मत बख्शी। नामधारी समाज की बहुत बड़ी सेवा इस मुल्क में है और अगर आज़ादी की लड़ाई में देखा जाए या उसके बाद देखा जाए हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियाँ करी। इस मौके पर नामधारी समाज के सतगुरु गुरु जगजीत सिंह की जीवन पर लिखी गई एक किताब का विमोचन भी किया गया। इस किताब में गुरु जगजीत सिंह के जीवन से जुड़ी बातों के अलावा नामधारी सिख समुदाय के बारे में भी काफी जानकारी दी गई है जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन में नामधारी समाज के बारे में बताया गया है। इस मौके पर सतगुरु उदय सिंह भी मौजूद रहे। Eminent Namdhari Sikh Guru and the tallest spiritual master of the 20th century. The book gives all the details of his life from childhood till the end of this avatar, and the book covers all the historic aspects of the Namdhari movement also. ये किताब नामधारी समाज के लिए काफी खास है क्योंकि इसमें सतगुरु जगजीत सिंह का जीवन परिचय विस्तार से दिया गया है, साथ ही उन योगदानों पर भी प्रकाश डाला गया है।